और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। एसआईटी ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दुष्कर्म मामले में चार्जशीट दाखिल की। एसआईटी ने प्रज्वल के साथ साथ उनके पिता और विधायक एचडी रेवन्ना के खिलाफ भी यौन उत्पीड़न मामले में चार्जशीट फाइल की है। जानकारी के मुताबिक एसआईटी प्रज्वल के खिलाफ चार मामलों की जांच कर रही है, जिसकी तहकीकात में करीब 150 गवाहों के बयानों के आधार पर 2000 से ज्यादा पन्नों में आरोप दायर किए गए हैं। एसआईटी ने एक विशेष अदालत में जो आरोप पत्र दाखिल किया है, उसमें रेवन्ना परिवार के घरेलू सहायिका के कथित यौन शोषण से जुड़े आरोप भी शामिल हैं। इस चार्जशीट में घटनास्थल का निरीक्षण जैविक, भौतिक, वैज्ञानिक, मोबाइल, डिजिटल और अन्य साक्ष्य शामिल किए गए हैं। एसआईटी सूत्रों ने बताया है कि चार्जशीट दाखिल किए जाने से पहले विशेषज्ञों की राय भी ली गई है। प्रज्वल पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेकुलर प्रमुख एचडी देवगौड़ा के पोते हैं और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के भतीजे हैं। प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना राज्य में पूर्व लोक निर्माण मंत्री रहे और बेंगलुरु से सांसद हैं। प्रज्वल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं, पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया भी जा चुके हैं। वो पिछले करीब एक दशक से जेडीएस के साथ हैं। रेवन्ना ने 2019 में हासन से लोकसभा का चुनाव भी जीता था। पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 354A के तहत आरोप लगाए गए हैं, जबकि प्रज्वल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376(2) के 354, 354A और 354B के तहत आरोप लगाए गए हैं। दोनों के खिलाफ उनके आवास पर काम करने वाली नौकरानी ने शिकायत दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि पीड़िता उसकी दूर किश्तदार भी लगती है। उसने आरोप लगाया कि उसका कई बार यौन उत्पीड़न किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव से दूसरे चरण के मतदान से पहले सोशल मीडिया पर कई ऐसे सनसनीखेज अश्लील वीडियो सामने आए, जिसमें प्रज्वल को दिखाया गया था। इन वीडियोस में प्रज्वल को कई महिलाओं का यौन शोषण करते हुए देखा गया। इसके सामने आने के बाद जन आक्रोश भी फैला। कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने पूरे मामले की जाँच की मांग की। कांग्रेस सरकार को इस संबंध में पत्र लिखा, जिसके बाद सरकार ने मामले की जाँच के आदेश को आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि 2024 में प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस का हासन सीट से लोकसभा का उम्मीदवार भी था, लेकिन 2024 में हासन की जनता ने उसे अपना प्रतिनिधि चुनने से इनकार कर दिया और वो सांसद से पूर्व सांसद बन गया। अब आगे देखना है कि आने वाले समय में क्या प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें कम होंगी, क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा। हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे भी कोई अपडेट आती है, हम आपके पास सारी जानकारी पहुँचाते रहेंगे।